emphasis on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world class business. Big Tech. कि हम बात करते हैं तो आई बिलीव कि अगर इंडियन क्रिकेट की बात करें तो टाइगर बहुत इज्जत रखते थे और बहुत ऊपर रहे हैं वो हमेशा. और मैंने पहला टेस्ट टाइगर गैलरी खेला था और काफ़ी यादें हैं इस तरह से सक्सेस को इंकरेज करना. और एक एग्जाम्पल सेटर थे वो टाइगर. और बिकॉज आई बिलीव कि लाइक अभी हम काफ़ी चीज़ें टेलीविजन पे देखते हैं बट वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम खाली ग्राउंड पे देखते थे टाइगर की. और टाइगर के जैसे ग्राउंड पे आना मतलब है कि ग्राउंड को बहुत एंटरटेनमेंट वहाँ पे डिलीवर. ग्रेट पर्सनैलिटी और एग्जाम्पल सेटर थे वो और कैप्टन प्रॉपरली टाइगर को जिस तरह से आज हम याद करेंगे मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी. बट की बात की है बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे कि सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जो हमारे हम सब साथ साथ में खेले हैं लोग वो सब आप लोगों को आज याद करें. सर आपने उस वक्त क्रिकेट खेली और आज आप क्रिकेट खेली हैं और चेंज ट्रांसफॉर्मेशन दो मिनट में सर वो आई थिंक टाइगर की बात करें तो देखा 60s में टाइगर माइंड सेट अलग था, खेलने का तरीका अलग था, सोचने का तरीका अलग था. आजकल हम जॉन्टी रोड जैसे फील्डर्स की बात करते हैं प्रॉब्ली ऐसे लोगों ने देखा नहीं होगा कि जॉन्टी रोड जिस तरह से वही टाइगर 60s में किया करते थे. उतना मीडिया नहीं था, उतनी हाइप नहीं थी, उतना लोगों ने देखा नहीं. तो मेरे ख्याल से चेंजेस आती है वक्त के साथ. मेरे ख्याल से चेंजेस जो है अच्छी आए. देखिए बी सी सी आई के तो मैं फंडे वैसे नहीं समझता वेरी ऑनेस्ट. ना मुझे कोई बी सी सी आई से लेना है ना देना है. वो क्या करते मैं उसमें एक्चुअली अपना सोचता भी नहीं हूँ वेरी ऑनेस्ट. आई डोंट नो किसी जो चीज़ देखी नहीं आई कैन नॉट कमेंट टू वेरी ऑनेस्ट. तो आई होप कि जो भी हो भले के लिए हो क्रिकेट के लिए. एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंडियन क्रिकेट शुड ग्रो, इंडियन टीम शुड बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड. और उस जिस अंदाज से वो खेल रहे तो उम्मीद है कि आने वाले दिन.